नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार सिंह। आज आपकी ज्योग्राफी की जो क्लास चलेगी उसमें हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक 5 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। वो जो आपकी पहली क्लास थी, पहले क्लास में हमने सिंधु नदी की उत्पत्ति और उसकी सहायक नदियाँ, जल विद्युत परियोजनाएँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने बात किया। वहाँ पर आपसे बात किया जो है सिंधु जल समझौते के बारे में। हमने वहाँ पर आपसे दोआब के बारे में बताया। दूसरी जो आपकी क्लास थी वहाँ पर आपका जो मेनली फोकस था, आपका दूसरा क्लास वो आपका था सतलुज रिवर सिस्टम। तीसरे पर हम बात किया चनाव रिवर सिस्टम पर। जो आपका फोर्थ क्लास था वो आपका रावी रिवर सिस्टम पे था। हम लोग अभी ऐसे क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं। जो आज की क्लास है ये आपकी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग जो देखते हैं वो आपकी रिवर है। रिवर है आपकी ब्यास रिवर। इंग्लिश में आइएगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं बीस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, बीस रिवर को भी। ध्यान दीजिएगा, इस बीस रिवर का जो हम एंशियंट नेम देखना चाहते हैं, इसका प्राचीन नाम इसका नाम है बिपाशा। प्राचीन काल में इस नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। यह आपकी 20 रिवर। हम लोग जब ब्यास के बारे में बात करते हैं तो हिमालयन रिवर सिस्टम में आइएगा तो वहां पर आपको 4 रेंजेस मिलेंगे, ट्रांस, नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेटर। ध्यान दीजिएगा ये सबके सब जो है हिमालय के रेंजेस हैं जो भी हम ड्रॉ करते जा रहे हैं। इससे भी नीचे आइएगा, ये आपका है रेंज लेसर। और भी इसके नीचे जो आपकी चौथी रेंज है हिमालय की, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो ये आपकी रेंज है शिवालिक। ये हिमालय के आपके चारों रेंज हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। यहां पर आइएगा, हिमालयन रेंज ये चारों। जो आपकी 20 रिवर है वो ना ही ट्रांस से निकलती है और ना ही ग्रेटर से निकलती है, वो निकलती है लेसर वाले हिस्से से, यहां से। और इस लेसर वाले चलने के बाद इस शिवालिक वाले रेंज को काटते हुए नीचे की ओर आती है, साउथ की ओर, ये वाला हिस्सा। ध्यान दीजिएगा हम लोग जब इस रेंज के चलेंगे इस तरफ, जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं इधर का, यहां पहुंचेगा ये चाइना में आते हैं, ये हिस्सा आता है तिब्बत, तिब्बत प्लेटू। यहां पर आपको मिलेगा चाइना। हम लोग जब नीचे की ओर आते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पे आइएगा, इसके नीचे का हिस्सा, तो ये हिस्सा आपका आता है ग्रेट प्लेन, महान मैदान भारत का। इस ग्रेट प्लेन का जो हिस्सा है, ये ग्रेट प्लेन का ये वाला मैदान जहां पर ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है, ये वाला हिस्सा, ये जाना जाता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, ये वाला हिस्सा। ध्यान दीजिएगा जहां से ये रिवर आपकी निकल रही है लेसर वाले हिस्से से, यहां पर आइएगा तो ये आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोग अक्सर पढ़ते हैं बुक्स में,
यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे बीस रिवर के बारे में। तो हिमालयन रेंज की जो आपकी लेसर हिमालयन रेंज है, हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय या लेसर हिमालय से निकलती है और शिवालिक को काटते हुए दक्षिण की ओर बहते हुए कहां प्रवेश करती है, पंजाब के मैदान में। और यहीं पर ही पंजाब के मैदान में ही यहां ट्रांस हिमालय वाली एरिया से एक रिवर आ रही है और आकर के इसी से मिल जाती है। और ये रिवर आप लोग जानते होंगे, इस रिवर को हम लोग कहते हैं सतलुज, सतलुज रिवर। और ये वाली रिवर आपकी है 20। अभी हमने 20 रिवर के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में हमने नहीं बताया, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप लोग सिर्फ इतने ही फ्लो चार्ट से जानना चाहें कि 20 रिवर कहां से निकलती है और कहां जाकर के समाप्त होती है, तो अगर हम कह सकते हैं हिमालयन रेंज के लेसर हिमालय रेंज से हिमाचल प्रदेश में से निकलती है और दक्षिण की ओर बहते हुए शिवालिक रेंज को काटते हुए पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और जहां पर यह नदी सतलुज नदी से मिल जाती है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये हुआ और इसका ये क्लोजिंग पॉइंट हुआ। ठीक, और डिटेल में आते हैं यहीं पर ही। हिमाचल प्रदेश में आइएगा, जो आपका लेसर हिमालयन रेंज है, इस लेसर हिमालयन रेंज को कहा जाता है धौलाधर रेंज। जैसा कि इसके पहले की क्लासेस में हम आपसे बता चुके हैं, ये जो आपकी रेंज है ये आपकी है धौलाधर रेंज। ध्यान दीजिएगा, ये वाली लेसर वाला हिस्सा, धौलाधर रेंज। ये जो धौलाधर रेंज है ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है हिमालय का। ठीक, मतलब लेसर हिमालय के धौलाधर रेंज जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। यहां से यह नदी निकलती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस धौलाधर रेंज पर हिमाचल प्रदेश में आइएगा, यहां पर आपको एक रिजर्वायर मिलेगा, जलाशय, इसी धौलाधर रेंज पर। ठीक, ये जो आपको रिजर्वायर मिलेगा ये आपका है 20 रिजर्वायर। कहां मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश। यहीं से यह नदी निकलती है, इसी 20 रिजर्वायर से ही, और नीचे ओर बहती है ये वाला हिस्सा साउथ की ओर, कहां पर, पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर। लेकिन बहते हुए ही इस नदी के मार्ग में आपको एक रेंज और मिलेगा, कौन सा, ये शिवालिक वाला हिस्सा, देख रहे ना, ये शिवालिक रेंज आपको और मिलेगी। इस शिवालिक रेंज को काटते हुए ये रिवर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। ये वाला हिस्सा, ये जो रेंज है आपका, ये रेंज आपकी है शिवालिक रेंज। हिमालय की शिवालिक रेंज, और जो इसका नाम है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, इसे कहा जाता है किराना, किराना हिल्स। कहां पर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक, अब यह नदी इस किराना को काटते हुए नीचे की ओर आ रही है, कुछ यहां पर गॉर्ज बनाएगी या एक खड्ड बनाएगी डीप,
इस वाले हिस्से पे, और यहीं से ही ये रिवर नीचे की ओर आती है, और जिस हिस्से में ये प्रवेश करती है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा आपका कहलाता है पंजाब हरियाणा का मैदान। ये जो आपको दिख रहा है सेडी वाला हिस्सा, इसे ही कहा जाता है पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो इसी को ही पंजाब का मैदान कहा जाता है, पंजाब प्लेन। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पंजाब प्लेन ऊपर की ओर से इस वाले हिस्से से जो आपके ट्रांस हिमालय से आ रही ये वाली नदी कौन सी है, सतलुज नदी। तो ट्रांस हिमालय वाले रेंज से ही एक रिवर आ रही है, इस धौलाधर रेंज को काटते हुए भी और शिवालिक को काटते हुए भी, और इसी पंजाब के मैदान में रिवर आकर के किससे मिल जाती है, बी से मिल जाती है, इस वाली नदी से। इसी नदी से आपकी मिल जाती है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं, इस रिवर का नाम है सतलुज, और ये जो रिवर ऊपर की ओर आ रही है, इस रिवर का नाम है बीस, जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। ये दोनों नदियां जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं पंजाब के मैदान में, इन पंजाब प्लेन जहां पर दोनों मिलेंगी, ये जगह आइएगा दोनों नदियों के बीच में, जिसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जहां पर दोनों मिलती हैं यहीं पर ही पास में आपको मिलेगा कपूरथला, जहां पर रेल कोच फैक्ट्री मिलेगा पंजाब के मैदान में। ध्यान दीजिएगा, जहां पर दोनों मिल रही हैं रिवर्स, यहीं से ही एक नहर भी निकाली गई है। वह नहर इसलिए बनाना संभव हुआ क्योंकि यहीं पर ही जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका नाम है हरिके बैराज। इस प्रोजेक्ट का नाम है हरिके बैराज। ध्यान दीजिएगा, यही हरिके बैराज से ही आपकी जो नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसके पूर्ववर्ती क्लासों में आप लोग जो है परीक्षा प्लस के लिंक को आप लोग शेयर करते जाइए और उसको फॉलो करते जाइए, तो जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी जुड़ती जाएंगी कहानी बदल कहानी। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ही आपकी नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर तक चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर यह रिवर आपकी शिवालिक को काट रही है, यही डैम भी बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, इसी 20 रिवर के ऊपर ही एक डैम बना दिया गया है। ये जो डैम है, डैम का नाम है पोंग, क्या नाम है डैम का, पोंग। पोंग डैम जो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में है आपका ये पोंग डैम, और इसी पर ही इसी को हम लोग कहते हैं पोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब जाहिर सी बात है, अगर हमने यहां पर डैम बनाया तो पीछे की तरफ पानी रुकेगा, यहां पर ये वाला हिस्सा, अगर हमने यहां पर आगे की ओर डैम बनाया तो ये पीछे की तरफ पानी रुकेगा, कुछ ना कुछ स्टोर होगा। ये जो पीछे पानी रुका हुआ है, इसे ही कहा जाता था पहले, का नाम था वो था आपका पोंग, पोंग रिजर्वायर, मतलब पोंग जलाशय। इस नदी के ऊपर जो आपका पोंग डैम बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, उसके ऊपर जो पानी रुका और यहां पर जो लेक बनी आपकी आर्टिफिशियल, उसी का नाम रखा गया पोंग रिजर्वायर। लेकिन बाद में भारत सरकार के द्वारा इस रिजर्वायर का नाम चेंज कर दिया गया, ना कि डैम का, किसका नाम चेंज किया गया, पोंग रिजर्वायर का। वर्तमान समय में आइएगा तो ये जो रिजर्वायर है, इसी रिजर्वायर को कहा जाता है महाराणा प्रताप रिजर्वायर।
अब इसका नाम जो है महाराणा प्रताप रिजर्वायर है। आगे हम लोग जब देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम में, तो चंबल नदी पे आइएगा, चंबल नदी के ऊपर कोटा में आपका एक डैम बनाया गया है वहां पर, जिसे हम लोग कोटा डैम कहते हैं, और उसके पीछे का जो रिजर्वायर है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राणा प्रताप रिजर्वायर, या वहां पर कोटा जलाशय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको राणा प्रताप रिजर्वायर, राणा आपको राणा प्रताप जो आपकी लेक है एक तरीके से, वो आपको कहां मिलेगी, राजस्थान मिलेगी, जबकि महाराणा प्रताप रिजर्वायर आपको कहां मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। आपकी जो 20 रिवर है लेसर हिमालयन रेंज के धौलाधर रेंज से हिमाचल प्रदेश में 20 रिजर्वायर से निकलती है, और यहां से बढ़ने के बाद जब वो आपकी शिवालिक के पास पहुंचती है तो रवि रिवर साउथ की ओर आती है, तो यहीं पर ही आपका डैम बना दिया गया है, नाम इसका है पोंग डैम। इस पोंग डैम के ऊपर आपको जो रिजर्वायर मिलता है उसके नाम है महाराणा प्रताप रिजर्वायर। यही रिवर जब नीचे की ओर आती है, तिंटी का जाती है पंजाब हरियाणा प्लेन में, पंजाब हरियाणा प्लेन में ट्रांस हिमालयन रेंज से आपकी रिवर आ रही नीचे की ओर सतलुज रिवर, ये देखिएगा ठीक है, और कपूरथला के निकट दोनों आपस में मिल जाती हैं, और यहीं पर ही आपका बना दिया गया है हरिके बैराज, और हरिके बैराज से आपकी एक नहर निकाली गई है, कैनाल निकाली गई है राजस्थान के थार डेजर्ट में, कहां तक, जैसलमेर और बीकानेर तक। उस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और पेयजल की परियोजना है। इसके अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने इंडस रिवर सिस्टम में आपने जो है सतलुज देखा, 20 देखा, रावी रिवर का, चिनाव रिवर का, और झेलम रिवर का, किशनगंगा का, मतलब इन नदियों का आपने उद्गम देखा। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें इंडस रिवर सिस्टम में किन किन नदियों के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं इंडस रिवर के बारे में। जितनी भी आपकी अभी तक 6 क्लासेस चली हैं उसका इन शॉर्ट समझिएगा। इंडस रिवर हम लोग देखते हैं लेक राकस, ये कहां मिलेगा, कैलाश रेंज, लेक राकस ये आपको मिलेगा कैलाश रेंज पर, ध्यान दीजिएगा यहां पे कैलाश रेंज। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे इसके पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और सिंधु नदी तंत्र के बारे में अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम, तो आपने अभी तक जो रिवर्स देखे, जो मेनली इसके जो मेन रिवर्स आपके हैं, सिंधु, किशनगंगा, झेलम, चिनाव, रावी, 20 एंड सतलुज। तो अभी तक जो है जो आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं इंडस रिवर सिस्टम पे, जो आज का आपका 6ठा क्लास जो चल रहा है, जहां पर आपने इसके पहले सेक्शन जो देखा वो आपने देखा 20 रिवर के बारे में, क्योंकि आपके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 जो ऑलरेडी परीक्षा प्लस पर पहले से ही वीडियो अपलोड है वहां जाकर फॉलो करिएगा, तो जो भी रिवर्स है उनके डिटेल बारे में पता चलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, तो हमने वहां पर इंडस चर्चा किया हुआ है आपका, किशनगंगा बता दिया है, सतलुज बता दिया है हमने, रावी, चिनाव और झेलम, इनके बारे में चर्चा किया है। आज आपके 6ठे क्लास में हमने 20 रिवर के बारे में अभी ठीक जस्ट के पहले बताया हुआ है। हम लोग अगर इन शॉर्ट इसको पूरा का पूरा रिवर सिस्टम, जो इसके मेन रिवर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न ज्यादा आते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम रहा हो, चाहे आपके सिविल सर्विस स्टेट लेवल के एग्जाम रहे हो, या और भी एग्जाम जो रहे हो, तो वहां के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये इंडस रिवर का हम लोग देखें तो ओरिजिन पॉइंट क्या होगा और आपका क्लोज्ड कहां पे होगा, यही आपके एग्जाम में रिवर्स का मेनली पूछता है। हम लोग अगर बात करें यहां पर इंडस रिवर के बारे में, तो जो आपकी इंडस रिवर है ये वाला हिस्सा देख रहे ना, ये जो रिवर आपकी जा रही है इंडस रिवर, हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो इसका ओरिजिन पॉइंट बताया था आपसे इसके पहले वाले क्लास में, ये रिवर जहां से निकलती है उसे हम लोग कहते हैं लेक राकस। क्या कहते हैं हम लोग, लेक राकस। और जो लेक राकस है ये कहां पर है आपका, कैलाश
रेंज पे। और ये जो कैलाश रेंज है ये कहां पर है? ये ट्रांस हिमालयन रेंज का हिस्सा है, पहले बता चुके हैं आपसे। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये कहां पर है? तिब्बत, चीन। पहले हिंदी में समझिएगा, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी पर स्थित राक्षस झील से निकलती है, ठीक। और कहां जाके गिरती है? ये अरेबियन सी में। हिंदी फिर सुनिएगा, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी पर स्थित राक्षस झील से निकलकर अरब सागर में गिरती है। जो इंग्लिश वाले हैं वो ध्यान सुनेंगे, इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक राक्षस एट कैलाश रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय इन तिब्बत एंड ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में देखते हैं? किशनगंगा। ध्यान दीजिएगा, किशनगंगा के बारे में, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजी रेंज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजी रेंज ऑफ जास्कर रेंज ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज इन जम्मू कश्मीर। क्लियर हुआ? मतलब किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर में महान हिमालय के जास्कर श्रेणी की पंजी श्रेणी से निकलती है। एंड यहां पर क्लोज डेट जब आएंगे तो ये रिवर किसी झील या किसी महासागर या सागर में गिरती नहीं है। मींस किशनगंगा रिवर इज नॉट ड्रेनिंग इनटू आर रन्स इनटू सी आर ओशन आर वाटर बॉडी बिकॉज इट इज मीट्स विद रिवर इन जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, आपसे इसके पहले क्लास में बता चुके हैं, ये जो आपकी किशनगंगा नदी है झेलम नदी से जम्मू कश्मीर में करनपुरा के निकट मिलती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मीट्स विथ झेलम रिवर इन जम्मू कश्मीर। ये जो हिस्सा आपने देखा ये अरेब, ये आपका इंडस का है और ये आपका है किशनगंगा का। किशनगंगा के बारे में बात करेंगे हम लोग फिर से एक बार। किशनगंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजी रेंज ऑफ जास्कर रेंज ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड मीट्स विद झेलम रिवर इन जम्मू कश्मीर। हिंदी में सुनिएगा, किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर में महान हिमालय के जास्कर श्रेणी की पंजी श्रेणी से निकलती है और झेलम नदी से जम्मू कश्मीर में मिलती है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे झेलम रिवर के बारे में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, झेलम रिवर के बारे में, ये जो नदी आपकी झेलम रिवर है कहां से निकलती है? शेषनाग लेक। और जो आपकी शेषनाग लेक है बेरीनाग स्थान से निकलती है। आगे पहुंच, ये जो आपका बेरीनाग है ये कहां पर है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। किसका? जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, झेलम रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक शेषनाग इन बेरीनाग प्लेस इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर
अनंतनाग जिले में बेरी नाग स्थान के शेष नाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। और ध्यान दीजिएगा, ये रिवर भी आपकी किसी ओशन सी या कहीं पर वाटर बॉडी में जाके गिरती नहीं है, ठीक है ना। जाए कहां होती है ये रिवर भी, जब पाकिस्तान में एंट्री करती, क्या नाम हो जाता है इसका? नीलम नदी नाम हो जाता है, नीलम रिवर। और कहां पर जाके मिलती है चिनाव से? सराय सिंध के पास में। ध्यान दीजिएगा यहीं पर ही आगे की ओर जो आप पहुंचते हैं यहां पर इस रिवर के बारे में मीट्स विद चिनाव रिवर इन पाकिस्तान। एक बार फिर सुनिएगा झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक सेसनाग इन बेरीनाग प्लेस इन अनंतनाग जम्मू कश्मीर एंड मीट्स विद चिनाव रिवर इन पाकिस्तान। झेलम नदी अनंतनाग जिले के बेरीनाग स्थान पर स्थित सेसनाग झील से निकलती है और पाकिस्तान में चिनाव नदी से मिल जाती है, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करते हैं चिनाव रिवर के बारे में। नेक्स्ट पर आइएगा जो आपका चिनाव रिवर है। चिनाव रिवर के बारे में ध्यान दीजिएगा, बारा लाचाला पास। ये आपको बाराचाला पास कहां मिलेगा? जास्कर रेंज। और ये जास्कर रेंज किसका हिस्सा है? हाँ, तो हमने झेलम रिवर देखा, चिनाव रिवर के बारे में। जो आपकी चिनाव रिवर है यहां पर आइएगा तो आपकी ये चिनाव रिवर निकलती है एक पास से, वो पास है आपका बारा लाचाला पास। और ये जो बारा लाचाला पास है ये आपको मिलेगा धौलाधर रेंज पर, जास्कर रेंज पर। जो जास्कर रेंज है किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका ग्रेट हिमालय का। और ये आपका पास कहां पर है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ध्यान दीजिएगा चिनाव रिवर जो है बारालाचाला पास से निकलती है। ये किसका कहां पर है? जास्कर रेंज पर है। जास्कर रेंज किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का हिस्सा है। और कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करेंगे हम लोग कहां चल रही है। चिनाव रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बारालाचाला पास एट जास्कर रेंज ऑफ ग्रेट हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय के जास्कर श्रेणी पर स्थित बारा लाचाला दर्रे से निकलती है। और यहीं पर आगे चलेंगे हम लोग, एंड रन्स इनटू और क्लोज एट। ध्यान दीजिएगा ये रिवर भी आपकी जो है कहीं झील, सागर, महासागर, लेक, ओशन, आरसी, ये कहीं पर वहां गिरती नहीं है, बल्कि क्या होती है? इंडस रिवर से जाकर कहां मिल जाती है? पाकिस्तान में। यहां ध्यान दीजिएगा, मीट्स विद इंडस रिवर इन पाकिस्तान। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग चिनाव रिवर के बारे में। चिनाव रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बारा लाचाला पास एट जास्कर रेंज ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज इन हिमाचल प्रदेश एंड मीट्स विद इंडस रिवर इन पाकिस्तान। चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय की श्रेणी के जास्कर श्रेणी पर स्थित बारा लाचाला दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ये आपकी चिनाव रिवर हो गई। चिनाव रिवर के बाद हम लोग ये आपकी है रावी रिवर। रावी रिवर भी आपकी पास से निकलती है और इस पास का नाम है रोहतांग। रोहतांग पास। और जो आपका रोहतांग पास है ये है आपके धौलाधर रेंज पर।
धौलाधर रेंज पर है। ध्यान दीजिएगा, धौलाधर रेंज किसका हिस्सा है? लेसर हिमालय का हिस्सा है। और ये वाला हिस्सा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान सुनिएगा, रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास एट धौलाधर रेंज ऑफ लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। एंड हम लोग जो बात करेंगे, यह रिवर भी बाकी नदियों की तरह कहीं सागर में गिरती नहीं है, बल्कि मिल जाती है किससे? चेनाब रिवर से। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, मीट्स विद चेनाब रिवर इन पाकिस्तान। रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास एट धौलाधर रेंज ऑफ लेसर हिमालय हिमाचल प्रदेश एंड मीट्स विद चेनाब रिवर इन पाकिस्तान। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। क्लियर है? हम लोग बात करेंगे 20 रिवर के बारे में। यहां पर 20 रिवर आते हैं। ये जो आपकी 20 रिवर है, ये निकलती है आपके 20 रिजर्वायर से। और ये आपको कहां मिलेगा? ये भी मिलेगा आपको धौलाधर रेंज पर। धौलाधर रेंज पे मिलेगा। जो आपका धौलाधर रेंज है, किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका लेसर हिमालय का। और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, 20 रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 20 रिजर्वायर एट धौलाधर रेंज ऑफ लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश। आगे चलेंगे हम लोग। ये जो आपका 20 रिवर है, मीट्स विद सतलुज रिवर इन पंजाब। मीट्स विद सतलुज रिवर इन पंजाब। 20 रिवर, फिर देखिएगा, 20 रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम 20 रिजर्वायर एट धौलाधर रेंज ऑफ लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश एंड मीट्स विद सतलुज रिवर इन पंजाब। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर स्थित ब्यास जलाशय से निकलती है और पंजाब में सतलुज नदी से मिल जाती है। क्लियर है? यहां पर हम लोग बात करते हैं जो आपका इस इंडस रिवर सिस्टम में जो आपका आखिरी रिवर है। आखिरी रिवर के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो आपकी सतलुज रिवर है, ये निकलती है लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर, और जो आपका लेक मानसरोवर है, यहां पर आइएगा, ये आपको मिलेगा कैलाश रेंज पर। कैलाश रेंज, आगे बढ़ते हैं, जो आपका कैलाश रेंज है, ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय पहुंचते हैं, ये जहां पर है आपका हिस्सा, जहां से नदी निकलती है, ये आपको कहां मिलेगा? तिब्बत चाइना। ध्यान दीजिएगा, सतलुज रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर एट कैलाश रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय इन तिब्बत चाइना। आगे पहुंचते हैं, यह नदी भी कहीं पर गिरती नहीं है, बल्कि किससे मिल जाती है? इस चेनाब रिवर से। मीट्स विद चेनाब रिवर इन पाकिस्तान।
मीट्स विथ चेनाब रिवर इन पाकिस्तान. सतलुज रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर एट कैलाश रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय इन तिब्बत चाइना एंड मीट्स विथ चेनाब रिवर इन पाकिस्तान. सतलुज नदी भी चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रेणी पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान में किसे मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है. ये जो अभी तक आपने देखा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपके अभी तक 6 क्लासेस हुई हैं, जो आपका 6ठा क्लास आज जो आपके पास तक जब पहुंच रहा है, वहां तक आपने सिंधु नदी की अन्य विशेषताएं जो भी आपकी हैं और उसकी सहायक नदियां कहां से निकलती हैं, कहां पर गिरती हैं और कहां तक जाती हैं, उसके बारे में आपने देखा. जो आपका 7वां क्लास जो आपका अगले दिन जा रहा है वो आप देखेंगे गंगा नदी के बारे में. और ध्यान दीजिएगा, जब गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं वहां पर, तो आपकी भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गंगा नदी के बारे में चर्चा होती. क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति भी गंगा नदी से कहीं ना कहीं प्रभावित होती है. और कहीं ना कहीं क्यों, अगर हम लोग बात करें भारत की, लगभग 43% मतलब टोटल पॉपुलेशन का 43% जो जनसंख्या है, 43% वो कहां रहती है? गंगा नदी के ही मैदान में रहती है. ध्यान दीजिएगा यहां पर, मतलब भारत की आधी जनसंख्या गंगा नदी पर है, तो भारत के कल्चर पे भी तो किसका ज्यादा प्रभाव होगा? गंगा नदी का प्रभाव होगा. इसीलिए भारतीय संस्कृति को गंगा की संस्कृति भी कहा जाता है. यहां पर इस गंगा नदी का लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और उनके भौगोलिक जीवन पर भी क्या हुआ है? बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है. जब नदी का लोगों के सामाजिक जीवन, उनके सोशल लाइफ पर, उनके इकोनॉमिक, उनके पॉलिटिकल, उनके रिलीजियस, सभी प्रकार के एस्पेक्ट पर जब उनका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी नदियों को दुनिया में, जब ऐसी कोई नदी गंगा जैसा जो प्रभाव जो गंगा डाल रही है गंगा के मैदानों में लोगों के ऊपर, अगर ऐसा ही प्रभाव किसी देश की नदी उनके लोगों के सामाजिक जीवन पर, लोगों के धार्मिक जीवन पर, लोगों के आर्थिक जीवन पर, लोगों के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डाले, तो उसे भी हम लोग गंगा कह देते हैं. जैसे हम लोग पहुंचते हैं लंदन, लंदन में आपकी टेम्स बहती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लंदन की गंगा कहते हैं. इटली में पहुंचिए, जो आपके राहुल बाबा का घर है वहां पर, तो वहां पर एक नदी बहती है पो, उस पो को जो है इटली की गंगा कहा जाता है. ध्यान दीजिएगा, जो आपका 7वां क्लास जो जा रहा है वो गंगा नदी के बारे में जा रहा है. गंगा नदी निकलती कहां से है, इस पे प्रयाग कौन कौन से बनते हैं, इसकी सहायक कौन कौन सी हैं, यहां पर इसके नए मैदान कौन कौन से, प्लेन कौन कौन से बनते हैं, ध्यान दीजिएगा. एक गंगा नदी के बारे में जब पूरा पढ़ते हैं, गंगा के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं. तो जो आपका 7वां क्लास आएगा वो आपका होगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में. हम फिर से एक बार कहना चाहेंगे परीक्षा प्लस के माध्यम से कि मैक्सिमम इस आप वीडियो को शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए इसको. जो भी ये आपके सेक्शन जो भी चल रहे हैं रिवर सिस्टम के, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट लेवल के जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं और जो अदर एग्जाम होते हैं आपके, वो चाहे रेलवे के हो, चाहे वनडे के हो, कुछ भी आपके एग्जाम हो, ध्यान दीजिएगा. अगर ज्योग्राफी की बात होगी वहां पर, तो यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके एग्जाम में. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर चल रहा है, इसलिए आप लोगों से फिर से एक बार हमारे तरफ से एक आपसे निवेदन भी है, और जैसा कि आप लोगों से प्यार हमें मिल भी रहा है, तो मैक्सिमम इस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए. और जो आपके नीचे देखिएगा जहां पर भी वीडियो चल रहा है, नीचे आपको बेल आइकॉन मिल रहा होगा, उसको आप वहां पर प्रेस करिए और मैक्सिमम इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाइए. जी नमस्कार.